वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक राजी मौज मजे में होंगे। तो कई दिन की छुट्टी मार ली है बड़का ने, चार पांच दिन की छुट्टी हो गई थी। आज फाइनली स्कूल जाने का टाइम आ गया, क्योंकि आज मंडे है। वैसे तो स्कूल जाने का तो जी ना करता, पर के करा, जाना जरूरी है। तो आज बड़का के लंच खाते हैं, बना दिए हैं अपने पोहे। हाँ आपने दूंगी तो मैं अपनी जो टिफिन है इसमें डाल के दे। इसमें 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 बस बस थोड़े खा रही है अपना टिफिन में डाल ले। हाँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है और फिर चलांगे सकुल मजा ना। जी तो कौन करे है जी ना करता, पर के करा, मजबूरी से काम करना भी जरूरी है, से है। कुछ बच्चा खा गया, कुछ ले गया, सबने अपना अपना टिफिन है वो पैक कर लिया है, और अनीता ने भी अपना टिफिन पैक कर लिया है। तो चले भी जाएंगे स्कूल में, अब चलते हैं। टाइम बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, फिर बस आ जाएगी नहीं तो। क्लिप है तड़की तड़क सुबह सुबह की, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी होगी थी। चाहे कितना ही काम कराया हो, चाहे ना कराया हो, लेकिन थोड़ी सी कसर तो सुबह वाली रह जा है। थोड़ा सा काम है वो रिवीजन करने का, और एक बार सारा काम निगाह मा के काटने का, कौन सा अपन कर लिया है, कौन सा नहीं कराया है। कदे कोई सा रह गया हो तो आगा ताई का जो सारा टेस्ट टूस्ट का जो जुगाड़ है वो देख कर जाना पड़ा है। तो बस बालका ने अपना सारा काम से वो निपटा लिया है, अपना बैग पैक से वो करण लाग रहा था। तो फिलहाल मैंने 6 बजे तक अपना पोहा है वो बना कर तैयार कर दिया था। आज कुछ ज़्यादा सब्जी है वो तो मैंने डाली को नहीं, सिर्फ प्याज का छोक लगाया है, बाकी जो मूंगफली है वे ही मिक्स करी है। पोहा है बड़का का वो बनकर तैयार हो गया है। आज लंच में लेकर जाऊंगा ये वाला पोहा, और साथ ही साथ में गैस है वो भी बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरा बनकर तैयार हो गया ही। साइड में बच्चा खातर दूध है वो भी फ्रिज माती निकाल रखा है, थोड़ा सा पहले बार निकालना थी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो थोड़ा सही रह जाएगा। ग्रीवा भी सुबह 6:01 बजे से उठ गई थी, सब ने राम रमी है वो दे दी थी, और ईबिया वाली क्लिप से 10 बजे की नुआ दुआ दी थी। मेरा घर का गणखरा काम से वो भी निपट गया था, और यह सो गई थी। जब बच्चे घर आना रहा तो इसकी भी ज़्यादा एक्टिविटी से वो होन को नहीं पावे, क्योंकि बालका में बालक खेलेगा और अकेला बालक फिर के खेलेगा, और वैसे भी यह सो जाया कर रहे, नुआई दुआई करना के बाद फिर 2-3 घंटा आराम ती सोया कर रहे। तो 10 बजे की सूती है क्लिप, तो मैंने 10:30 बजे निकालना लाग रही हूँ। एक साइड ने इलेक्शन की आज वोटिंग चल रही है, उसका भी टीवी है वो चालन लाग रहा है। कई बार के सुबह सुबह तो नुआ है कि भजन चल जाए, आरती चल जाए है, लेकिन आज सुबह सुबह ही न्यूज का चैनल है वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वैसे तो काउंसलिंग तो 8 बजे से स्टार्ट होनी थी, लेकिन उससे पहले अपना टीवी है वो चल गया था। डीपली क्लीनिंग करी थी थोड़ी सी, चेक, क्योंकि 4 दिन तक बालक वैसे झाड़ू पोछा हो जाया करता, लेकिन इस तरह की डीपली क्लीनिंग है वो नहीं हुई थी। तो सारी मैंने जब एरिया साफ करके लाई तो मैंने एक अजियान की कलाकारी है वो पाई। अब इसने लिख रखा है लव यू मॉम डैड, और नेल पेंट तो इसने अपनी आर्ट कलाकारी है वो बना रखी है। बाकी मैंने खूब कोशिश कर ली थी, इसने उतारने की उतरी को नहीं थी, वैसे थिनर था को नहीं, क्योंकि ज़्यादा नेल पेंट हम यूज को नहीं करा करा। हाँ थिनर होता तो अच्छी तरह थी उतर जाता, लेकिन वो तो था को नहीं। मैंने और भी कई इस तरह का जो सामान है वो डाल के देख लिया था, को नहीं उतरा था। फिर मैं कहा धीरे धीरे साफ हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे करके ये वाला भी साफ हो जाएगा। स्कूल मातियाना के बाद बुज्जी भाई या कलाकारी किसने करी है तो जैन करी थी, अरे मोम ये तो मैंने ही करी थी, और मोम क्या आगे की थी, देखो मोम मैं यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ, ड्राइंग मेरा कुछ समझ में नहीं आई, मैंने आप मोम और डैड लव यू मोम डैड है वो ही लिख दिया था। मैं कहा ठीक करे भाई, तन्ने जो करना था वो कराया है, लेकिन काम तो तन्ने हमारा बधाए दिया है, ये भी इसने भी साफ करना पड़ेगा। वैसे तो साफ हुआ को नहीं, धीरे धीरे करके ही साफ हो जाएगा। आज कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल हो रहा है, क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है, हमारा काम था अपना वोट देने का, और आगे तो जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि किसके हिस्से में क्या कुछ आवे है। और मैंने तो अभी पता नहीं है, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, मैंने तो जो है इलेक्शन का जो वोट पोल जो चल रहा था वो देखा ही नहीं था, फिलहाल मैंने न्यू भी नहीं मेरा हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कौन जीता है, कौन आ रहा है देखांगे थोड़ी बार में, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है जिस कारण था मेरा रेस्ट चल रहा था।
और अब मैं खड़ी हुई हूँ, तो अपना एक आधा जो काम है उस करूंगी और फिर देखेंगे कैसा क्या कुछ होया है। और वैसे कोई बन जाओ, क्या दिक्कत है। टाइम शाम का हो गया है और यंशु और लेने जा रहा था दूध। जी हाँ, दूध लेने जा रहा था, वो भी बकरी का। और टाइफाइड बुखार में, यानी कि डेंगू और टाइफाइड एक ही बुखार व्या कर रहा है। इस बुखार में प्लेट्स डाउन आ जावे हैं तो कया कर रहे हैं कि बकरी का दूध है वो भी अच्छा रहा है। वैसे तो डॉक्टर की दवाई है वो भी लेनी चाहिए, फल फ्रूट है वो भी लेना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो बकरी का दूध है वो भी लेना चाहिए। तो यंशु और दूध लेने जा रहा था, वो वाली छोटी सी क्लिप इन्हें कैप्चर करी है। बाकी मारा उरा बकरी का दूध है वो 200 रुपए किलो मिलन लाग रहा है, और आपका कितना मिला है वो कमेंट में जरूर बताइयो। जी हाँ, 200 रुपए किलो दूध मिलन लाग रहा है, और मिल रहा है वो ही बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादातर बकरी है वो भी दूध को नहीं दे रही, और मिल जा रहा है वो ही घनी बड़ी बात है। बाकी कई जगह पूछताछ करी थी कितना को नहीं मिला था, फिर एक जगह बकरी का दूध है वो मिल गया था। तो दूध लेने के बाद एक रात का टाइम हो गया है, जब गला में खराश, यानी कि जुखाम के कारण जब जुखाम हो रही है, गला में खराश, नाक में गुदगुदी, और वैसे भी छींक पे छींक आवे है, तो थोड़ा सा पाने बाफ है वो भी लेनी पड़े है। सोचा हाँ कि जल्दी ती ठीक हो जावे, और खांसी जुखाम बुखार घर में अगर एक बार एंट्री होगी तो सारा कुणबा कोया बिना तो जावे कौन नहीं। तो बस वह थोड़ा सी बाफ है वो लेवन लग रही है सु पापा। और इसमें मैंने एक स्पेशल चीज है वो डाल रखी है, स्पेशल चीज है सफेदा का पत्ता। वैसे तो बोल देवे हैं कि विक्स की भी बाफ लेनी चाहिए, और सफेदा का पत्ता है वो भी बेस्ट बतावे हैं। बाकी हमने कई बार लेकर भी देखा है, फर्क घना लागे है, विक्स ते भी ज्यादा असर है ये सफेदा का पत्ता करे है। तो वो ही था सिंपल तरिया थी, पानी में मैंने उबाल रखा था और इसी थी बाफ है वो ली थी। बाकी गर्मी का मौसम में बाफ भी कोनी ली जावे, क्योंकि एकदम ती जब उसका गर्म पानी का बुखार ऐसा आवे है तो सुधा मुंह पे जाकर लागे है, तो धीरे धीरे करके ही बाफ लेनी पड़े है। और नु ये करके फिर सारी धीरे धीरे करके अंशु पापा है वो बाफ लेवन लाग रहे। बाकी केक के मिलाया था मैंने वो दिखाई दिया है, वो जो पत्ता बताया था ये वाला पत्ता है भी मिलाया है। और इसकी एक बार अगर खांसी जुकाम हो रही है तो एक बार बाफ लेकर देखियो, फर्क आपने जरूर महसूस हुएगा। तो देख ली होंगी आज की वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइयो। मिलांगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।